दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टेथोस्कोप के बारे में, जिससे अपन बोलते हैं नॉर्मली आला डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। आरएमपी डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर, सभी तरह के डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। हार्ट के साउंड हो, लंग्स के साउंड हो, या एब्डोमिनल इंटेस्टाइन का बॉवल साउंड हो, इससे ये पता चलता है। ठीक है, जानेंगे इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है। हालांकि इसकी एक अलग सीरीज लेके आऊँगा कि किस किस तरह का साउंड कहाँ कहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा, वो अलग सीरीज रहेगा। अपन इसके बारे में थोड़ा बेसिक समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, सो देखते रहिए। दोस्तों अगर बात की जाए इसके पार्ट्स की, तो पार्ट्स में दोस्तों यहाँ पे इस हिस्से को बोलते हैं हेड पीस और इसको बोलते हैं डायफ्राम पीस। ठीक है ना, ये चेस्ट पीस बोल सकते हैं, चेस्ट पीस। तो ये दो हिस्से में होता है, और ये जो होती हैं, ये जो बर्ड्स लगी हैं, इन्हें बोलते हैं ईयर टिप्स या ईयर बर्ड्स, ईयर पीस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये अंदर कान के अंदर जाते हैं, इसलिए से ईयर टिप बोलते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों ईयर ट्यूब, ये जो मेटल का दिख रहा है आपको, ये ईयर ट्यूब होता है। ठीक, और ये जो यहाँ से प्लास्टिक का शुरू हुआ, ये रबड़ का, ये रबड़ का, ये पूरा ट्यूबिंग होता है, ट्यूबिंग पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है, ट्यूबिंग। ठीक है, और ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं, यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, इसे बोलते हैं स्टेम। अब देखो ये चीज़ है, इसके दो हिस्से हैं, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। इसे बोलते हैं डायफ्राम और इसे बोलते हैं बेल। दोनों का अलग अलग यूज़ होता है, कहीं किसी ने नहीं बताया होगा आपको ये चीज़, मैं बताऊँगा। ठीक है, सो यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होता है। जब भी आप इसको लगाएंगे तो इस तरह से खोलेंगे, ये इस तरह से खुलेगा, ये देखिए, ये जो है हिस्सा बाहर की तरफ आ रहा है, तो इसे ऐसे ही लगाना। कई लोग इसको ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना। ठीक है, ये बाहर की तरफ ही आएगा, ये यूँ लगाना है, लगाना है। लगाने के बाद यहाँ पे एक लॉक होता है, इसको ऐसे घुमाएंगे आप, इस तरह से लॉक हो जाता है। मतलब कि अगर इसको घुमा दिया तो इस तरफ का काम करेगा, इसको अगर यूँ घुमा दिया तो ये काम करेगा। ठीक है, तो लंग्स के साउंड या हार्ट के साउंड सुनना होते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। अब ये काम कैसे करता है एक्चुअल में दोस्तों, इसमें थोड़ा सा फिजिक्स है। ये जो डायफ्राम होता है, ये बहुत पतला सा लेयर होता है। इसका काम ये होता है कि भाई जो साउंड्स की वेव्स हैं, साउंड की फ्रिक्वेंसी, उसको कलेक्ट करना, और ये जो ट्यूबिंग है, ये इसका काम है इसको एम्पलीफाई करना, कि जो भी बारीक साउंड है ये उसको एम्पलीफाई करके यहाँ तक पहुँचा देता है। और ये जो ईयरबड्स हैं, ये बिल्कुल नॉइज रिडक्शन है, कि बाहर की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं आएगी, जो डायफ्राम ने कैच की है फ्रिक्वेंसी, उसको ये पहुंचा देगा आपके कानों तक। ठीक है, तो ये तो हो गई ठीक बात, इसका यूज़ समझ में आ गया, जो भी साउंड था इसने आपको कानों तक पहुंचा दिया। इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि कई बार डायफ्राम जो मोशन होता है चेस्ट में, जो मोशन हो रहा है उसके जो साउंड उनको कैच करता है, उनके मोशन से ये हिलता है अंदर। लेकिन कई बार लो पिच का साउंड होता है तो ये हिल नहीं पाता, आवाज़ समझ में आती नहीं है, तो फिर इसका डायरेक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पे एक छेद है, होल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका साउंड सुन लिया जा सकता है। तो ये होता है दोस्तों स्टेथोस्कोप, और अलग अलग साउंड्स, अलग अलग बीमारियों में कैसी आवाज़ आने वाली है, हार्ट के पूरे साउंड्स, चेस्ट के पूरे साउंड और एब्डोमिन के पूरे साउंड की तीन वीडियो मैं आपको बनाऊँगा भविष्य में, तो उनको ज़रूर आप देखना कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। इस वीडियो में आपने क्या समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, क्या है इसका, थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता देता हूँ। पहले के समय में क्या होता था कि लगभग 1800-1600 में पहले भी डॉक्टर्स होते थे, लेकिन वो इस तरह का फ्लेक्सिबल स्टेथोस्कोप यूज़ नहीं करते थे, एक पोंगी टाइप की होती थी, पाइप होता था, उससे मरीज को भी दिक्कत आती थी, डॉक्टर को भी दिक्कत आती थी। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका आविष्कार किया, इनका नाम था रेन लेनेक, जिन्होंने इसको बनाया था। आई होप आप समझ गए होंगे स्टेथोस्कोप के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल ज्ञानियर ब्लॉग्स, जहाँ पर हम डालते हैं कुछ लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, घूमने फिरने जाते हैं, ट्रैवल के ब्लॉग्स डालते हैं, चाहो तो आप उसको भी देख सकते हो, सब्सक्राइब जरूर से करें। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।